चलो तो देखो, यूनिट टू के जो मेन टॉपिक्स थे, गारंटी, इंडेमनिटी, बेलमेंट प्लेज। अब स्टार्ट करेंगे अपन एजेंसी। एजेंसी क्या होता है? बताओ, एजेंसी वर्ड सुना है आप लोगों ने? यस मैम। क्या होता है बेटा एजेंसी? एजेंसी स्टार्ट करेंगे अब अपन। बताओ एजेंसी का मतलब क्या होता है? मैम वो बिजनेस जो एक सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और कोई कुछ बताएगा? वो बिजनेस जो सर्विस प्रोवाइड करती है, बिजनेस विच प्रोवाइड सर्विस। और नॉर्मल एजेंसी बिजनेस से करो ना कनेक्ट। क्या होता है एजेंसी में? और तीन पार्टीज हो सकती है एजेंसीज में, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। एक डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो प्रोड्यूसर जिससे उसने सामान लिया, सपोज एक्स, जिसने एजेंसी ली वो हो गया वाई। और जो एजेंसी है जिसके पास वो सामान बेच रहा है, तो हुए कि नहीं हुए तीन लोग इन्वॉल्व इसमें? और क्या हो सकता है एजेंसी में बताओ? बताओ और। मैम वो एक इंडिपेंडेंट मतलब बिजनेस टाइप होता है। इंडिपेंडेंट सेलर बोलना चाह रही हो क्या? बस एक ही रिस्पोंड, और कोई? प्रशांत, प्रांजलि, श्रद्धा, क्या होता है एजेंसी? क्या होता है? करेक्ट करो ना, आसपास देखते हो ना आप लोग, एजेंसी में क्या होता है बताओ।
चलो बताओ और। देखो इसका एक मीनिंग बताती हूँ, कोरिलेट करना चीजों को, फिर बताना कि कोई डाउट तो नहीं है इसमें। एन एजेंट इज अ पर्सन employed to do any act for another or to represent another in dealing with third person. बताओ कुछ समझ में आया इस डेफिनेशन से? बताओ। एन एजेंट इज अ पर्सन, एजेंट एक ऐसा पर्सन इसको काम पे लगाया गया है कुछ काम, लेकिन वो दूसरों के लिए काम करेगा और वो रिप्रेजेंट कर रहा है अनदर। सपोज अब एक एग्जांपल ले लो, ब्रांड्स ले लो, कोई भी ब्रांड ले लो, एमवे का, अमूल का। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास इनकी एजेंसी है तो हम इनको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो, और हम इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। एक्ट फॉर एनदर और रिप्रेजेंट एनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। देखो तो ये जो एमवे या अमूल की अगर हम एजेंसी लेते हैं सपोज, तो हम क्या करते हैं, हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस जब हम किसी को सेल कर रहे हैं, तो सपोज अगर हम एमवे अमूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हमने इनकी एजेंसी ली, तो वी आर द फर्स्ट पर्सन, जिसने एजेंसी ली वो सेकंड पार्टी, और हम जो हमसे गुड्स परचेज कर रहा है ना, वो कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी। क्लियर हुआ इसमें? बताओ मीनिंग में कोई डाउट? नो मैम। और बाकी नो मैम। लेकिन हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अपने टॉपिक में हम तीन पार्टीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सिर्फ टू पार्टीज के लिए करेंगे, दो पार्टीज के एग्रीमेंट की बात करेंगे इसमें। देखो इन एजेंसी, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूं मैं, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल वेयर बाय One person act on behalf of other, है कि नहीं? देखो रिलेशनशिप है दो पीपल के बीच में, जब हम वन पर्सन क्या करता है, एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर। सपोज अगर अमूल क्या इसका जो एजेंसी का बता रही हूँ, तो वो उसके बिहाफ पे एक्ट करेगा। क्लियर है इसमें? ये मीनिंग डेफिनेशन लिख लेना आप लोग।
बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे अब इसको।